तो जिया धड़क धड़क दिल्ली की स्टोरी, आप दिल्ली से हैं तो अगर आप पहला एपिसोड सुनेंगी तो उसमें काफी कुछ हमने मेंशन किया है, कैसे राजीव चौक में भीड़ होती है और किस तरीके से सरोजनी मार्केट से खरीदारी की जाती है, वो सारी चीज। उत्तराखंड में रहते हुए ये पता नहीं चलता कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या चीजें कर सकते हो, तो डायरेक्शन मुझे काफी अच्छा लगा, फिर मैंने यहाँ से शुरू किया। तो मैं बचपन में हवा महल सुनती थी, विविध भारती में आता था 8-8:30 बजे, तो मुझे बहुत पसंद था, मेरी तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। हाय आरती, हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक है। कहाँ पर हो अभी? मैं अभी मुंबई में हूँ। मुंबई में? मुझे लगा उत्तराखंड तो नहीं गए हुए, आपका घर तो वहां पर है। हाँ जी, अभी तो मैं मुंबई में हूँ। ओके, कैसा मौसम है आज? बिकॉज यहाँ मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ आपसे, और दिल्ली में फिलहाल आज मौसम बहुत प्यारा है। मुंबई में किस तरह का मौसम चल रहा है? मुंबई में अभी हल्की गर्मी है, कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, तो अभी ठीक है, गर्मी तो रहती है, वो तो चलता रहता है, ये तो सब चलता ही रहता है। इसके साथ मुझे याद आया, आपका एक ऑडियो सीरीज आ रही है पॉकेट एफएम पर जिसका नाम है जिया धड़क धड़क जाए। जब मैंने ये नाम सुना मुझे तो एक ही चीज याद आई, वो था कलयुग का एक गाना जिया धड़क धड़क जाए जो सालों पहले आया था और हम सबको बहुत पसंद आया था। लेकिन ये जो आपकी ऑडियो सीरीज है, इसके अंदर क्या है एग्जैक्टली? मैं रियली में जानना चाहती हूँ, क्या किस तरह की स्टोरी है एंड आप इसके लिए कैसे ऑन बोर्ड आई? एक्चुअली मैं टेलीविजन और फिल्म्स के लिए लिख रही थी, उस दौरान मेरी एक राइटर से बात हुई थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि राइटिंग के काम में कैसे हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। एक काम होता है, फिर उसको छोड़ करके हमें फिर दूसरा, जब वो खत्म हो जाता है तो हमें दूसरा ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया मैं पॉकेट एफएम के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर मेरा परिचय करवाया और वहां से फिर हमारी जर्नी शुरू हुई पॉकेट एफएम के साथ। और मुझे पहले कोई और ऑडियो सीरीज मिली थी जिसका नाम लत है, वो ऑलरेडी पॉकेट एफएम के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एंड सेकंड जिया धड़क धड़क हमने शुरू किया, तो जिया धड़क धड़क दिल्ली की स्टोरी, आप दिल्ली से हैं तो अगर आप पहला एपिसोड सुनेंगी तो उसमें काफी कुछ हमने मेंशन किया है, कैसे राजीव चौक में भीड़ होती है और किस तरीके से सरोजनी मार्केट से खरीदारी की जाती है, वो सारी चीज। अच्छा, आप रही हैं कुछ टाइम दिल्ली में, आपने कुछ वक्त गुजारा है? ज्यादा तो नहीं, पर मैंने काफी रिसर्च की थी इस बारे में कि दिल्ली में हम क्या क्या चीजें मेनली होती हैं, क्या क्या चीजें लोगों को पसंद होती हैं, तो वो चीजें हमने कवर करने की कोशिश की। ओके, एंड अगर आपने यहाँ पर राजीव चौक की बात करी है या सरोजनी नगर की बात करी, तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली रिलेट टू दैट एज वेल। बाकी वो आपके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल आप ऑडियो सीरीज को की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपने राइटिंग करी है, और दोनों बहुत अलग काम है। इट्स नॉट लाइक कि दोनों काम सेम है, बिकॉज अब चाहे मैं जर्नलिस्ट हूँ, सालों पहले मैंने भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है, तो मुझे पता है कि कितना डिफरेंस है दोनों कामों में। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुई या बोलूं कि शुरुआत कैसे हुई जब आपने असिस्टेंट डायरेक्शन का काम शुरू किया, तो डायरेक्शन लेने का कैसे सोचा था? ये एक अलग स्टोरी है। डायरेक्शन के बारे में तो मैंने नहीं सोचा था, मैं मुंबई आई थी समंदर देखने और फिर हमारी एक फिल्म मैं मेरी पहचान हो गई, वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ, चिकन करी लॉग मैंने मेंशन भी किया हुआ है ऑलरेडी प्रोफाइल से, तो वहां से शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में रहते हुए ये पता नहीं चलता कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्या चीजें कर सकते हो, तो डायरेक्शन मुझे काफी अच्छा लगा, फिर मैंने यहाँ से शुरू किया। और रही बात ऑडियो सीरीज की, लिखने का काम यानी कि राइटर मुझे हमेशा से बनना था। हाँ, पॉकेट एफएम की ऑडियो सीरीज के जरिए मुझे वो चीजें मिली और यहाँ पर हम शब्दों के थ्रू पूरा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, ये मेरे लिए नया। डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसा पर्सपेक्टिव कि वीडियो और ऑडियो में काम करने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील हुआ आपको अभी? जी, वीडियो में क्या होता है ना, आपकी कहानी को दिखाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो वर्ल्ड दिख रहा होता है, कैरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके शब्द हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके शब्द उस दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं। मैं राजीव चौक आपको बोल रही हूँ तो मेरे शब्द है, राजीव चौक हम आपको दिखा नहीं रहे। तो राइटर के लिए यहाँ पे चैलेंज भी बढ़ जाता है और एक तरीके की अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है खुद को एक्सप्लोर करने। जी, अगर आपने कई सारी फिल्म्स भी की है, जनहित में जारी उसमें से वन ऑफ दोस फिल्म्स थी, जो मुझे लगता है कि जब आने वाली थी तो लोगों को ज्यादा उसके बारे में नहीं पता था फिल्म के बारे में, या मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया गया था। लेकिन जब फिल्म आ गई और वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म पसंद की गई, लोगों ने जाके देखी। आपने इस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था उस फिल्म को लेकर, बिकॉज टॉपिक बहुत हटके था? नहीं, हमने किया था शुरुआत से ही, हमने उस पर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी थी और जो कि हमें मिली थी पूरी ही टीम की। अच्छा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसके अंदर? बहुत अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, पॉडकास्ट सुनते हो आप? क्योंकि आजकल का तो एरा एक ऐसा आ गया जो पहले लोग, ऑफ कोर्स रेडियो वाज ऑलवेज देयर अगर हम ऑडियो की बात करें तो, लेकिन फिर एक एरा आया जिसके अंदर लोग वीडियो की तरफ बढ़ने लग गए। इनफैक्ट रेडियो चैनल्स ने भी अपने डिजिटल चैनल्स खोलने शुरू कर दिए, जहाँ पे छोटे छोटे सीरीज टाइप निकालनी शुरू कर दिया, वीडियो क्लिप्स निकालनी शुरू कर दी, शॉर्ट फिल्म निकालनी शुरू कर दी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो अब जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं देखूंगी तो है नहीं कुछ, लाइक इजीली मैं देखूंगी नहीं इफ आई एम ड्राइविंग समथिंग, लेकिन होगा ये कि मैं पॉडकास्ट सुन लूंगी। तो क्या आप भी पॉडकास्ट रेगुलरली सुनते आए हो कोई, या फिर कोई रेकमेंड करना चाहते हो कि कोई पॉडकास्ट आपने सुना और आपको बहुत पसंद आया हो? पॉडकास्ट या फिर ऑडियो सीरीज की बात करें ना, ऑडियो स्टोरीज की बात करें तो मैं बचपन में हवा महल सुनती थी, विविध भारती में आता था 8-8:30 बजे, तो मुझे बहुत पसंद था। मेरी तो बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और पहले भी जब मुझे पॉकेट एफएम के बारे में पता चला ना, मैं काम नहीं करती थी, मैंने उसकी कई सारी स्टोरीज मतलब मैं सुना करती थी, स्पेशली रात को जब हम सो रहे हैं। तो दिन भर तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके तो आपको पता होगा इतना टाइम मिलता नहीं एंटरटेनमेंट का, तो वो रात को मैं ऑडियो सीरीज सुन करके सोती थी। ओके। और ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ग्लोबली इतना अच्छा है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। तो हाँ, पॉडकास्ट तो मैंने सुना है और ऑडियो सीरीज भी मैंने सुनी है। ओके। अच्छा, और कोई प्रोजेक्ट है जो आपने ऐसा, मतलब अगर मैं पूछूंगी ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो इतने टाइम में आपने किया है, फिर चाहे वो वीडियो में किया हो चाहे ऑडियो में किया हो, जिसको लेके बहुत अलग चैलेंजेस आए आपके लिए या जो थोड़ा मुश्किल था जिस पर काम करना? मुश्किल तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते ही हैं। यहाँ पर हम पॉकेट एफएम और ऑडियो सीरीज की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे तुमने भी बोला कि मेरे लिए चैलेंज था जिया धड़क धड़क में, जब क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो के लिए लिख रही थी, हम स्क्रीन प्लेस लिखा करते थे, और वो लिखना और नरेटिव वे लिखना मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो ये सीरियसली मतलब कि आप एक इंसान बिस्तर से उतरता है और जब उसने पैर रखा जमीन पर, तो जमीन ठंडी थी या गर्म थी, वो चीजें आपको दिखाने के लिए नहीं मिल रही है, वो एक्टर का एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नहीं मिल रहा है। आप अपने शब्दों की जगह बता रहे हो कि जमीन बहुत ठंडी थी और उस ठंडक से उसने एकदम से अपने पैर हटाए और तुरंत चप्पल पहन लिए। कंबल उसे हटाने का मन नहीं कर रहा था, पर उसे याद नहीं था कि रात को उसने अपना स्वेटर उतार के किस तरफ फेंका था। ये जब लिखा जाता है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि अच्छा हाँ, एक कमरा है और एक कंबल भी है, एक लड़की बैठी भी है, उसने पैर भी जमीन पर रख रही है, चप्पल भी ढूंढ रही है। तो ये चीज मैंने पॉकेट एफएम के थ्रू जिया धड़क धड़क को लिखते हुए भी सीखा, लत को लिखते हुए भी सीखा, और आगे की जो स्टोरीज मेरे पास आ रही है उनको लिखते हुए मैं सीख रही हूँ। अच्छा, क्या इस ऑडियो सीरीज की जिसकी हम बात करें, जिया धड़क धड़क जाए, क्या इसके अंदर वॉइस भी आप ही ने दी है या फिर राइटिंग आपकी है? नहीं, वॉइस मेरी नहीं है, वॉइस मेघा की है, मेरी राइटिंग। ओके, आपका कोई प्लान है आगे इस तरह के कोई पॉडकास्ट? अब ये तो फिलहाल ऑडियो सीरीज जैसे मैं बात कर रही हूँ, क्या ऐसा कोई प्लान है कि कभी मैं खुद का भी कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ? बिकॉज मैं अभी ऐसा हुआ है पिछले कुछ टाइम में, बहुत लोगों से मिली हूँ जिन्होंने मुझे एक अपना वो बताया कि you know, यार मेरा ना मन है मैं कभी ना पॉडकास्ट शुरू करूँ। बहुत बातें होती है जो हम अपने दोस्तों के साथ भी नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद पॉडकास्ट पे कोई सुनेगा। ऐसा कुछ प्लान है कभी करना है? ये सवाल मेरे लिए बहुत नया है और आई थिंक मैं इसके बाद सोचूंगी कि मुझे ऑडियो सीरीज, खुद की ऑडियो सीरीज के बारे में सोचना चाहिए। ये आपने एक नई चीज अभी मेरे दिमाग में डाली है। अच्छा, ये मैंने नया आइडिया दे दिया मतलब आपको? हाँ जी, आपने बिल्कुल नया आइडिया दे दिया। ओके। अच्छा, और कोई प्लान है आगे आपका? क्या इसी मीडियम को आगे और एक्सप्लोर करना चाहते हो, या कोई और चीज है जिस पर साथ साथ काम चल रहा है अभी या नहीं? कहानियां तो मैं कहना ही चाहती हूँ इस पर, मतलब मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ मैं हमेशा काम करती रहूँ ऑडियो सीरीज के लिए, हाँ, उसके अलावा और भी काम है। मैं वीडियो के जरिए भी अपनी कहानियां कहना चाहती हूँ। तो मैंने ऐसे एक छोटी मोटी फिल्म 100 ड्रेसेस डायरेक्ट की थी, तो जी, उस तरफ भी मेरा थोड़ा सा रुझान है। ओके ओके। तो अभी आपको मतलब ये चीज अगर मैं पूछूं कि आपको राइटिंग को ही आगे लेके जाना है या आपने डायरेक्शन को ही लेके जाना है, सो वुड यू बी एबल टू चूज वन कि मैं इसकी तरफ ज्यादा फिलहाल इस तरफ इंक्लाइंड हूँ? नहीं, मुझे दोनों से प्यार है। ऑल राइट, नहीं ऐसा होता है एंड इट्स ओके, फेयर इनफ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक राह चुनना मुश्किल है क्योंकि दोनों से इक्वल प्यार है, बट ये अच्छी बात है अगर आप दोनों को साथ में लेकर चल सकती है। बट विद दैट आरती, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जिया धड़क धड़क जाए, एंड आई रियली होप कि लोगों को ये पसंद आए। एंड क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि अभी आई थिंक वो टाइम चल रहा है जब लोग पॉडकास्ट की तरफ, ऑडियो सीरीज की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, जबकि विजुअल्स नहीं है लेकिन उसके बावजूद लोग कनेक्टेड फील करते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू ब्रिंग सम गुड स्टोरीज थ्रू ऑडियो एज वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस मच टाइम। थैंक यू सो मच।